न्यूरोलॉजी की बीमारियां हैं वो ऐसी है कि मतलब आप कई बीमारी को तो इलाज है, कई का इलाज भी नहीं है। तो कई बार हम लोग ये पूछते थे कि भाई जैसे मिर्गी है, तो चीज़ें कई आजकल डिजिटल वर्ल्ड बहुत एक्टिव है, तो कई वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिससे मिर्गी के भी झटके आ सकते हैं, जैसे कार्टून है तमाम। तो एक जो बहुत लत वाली जो बीमारी इसी में दिखी वो ये है कि इंटरनेट एडिक्शन। और जब लत लगता है तो कई चीज़ों का लत है, उसमें कि जो प्रोनोग्राफिक साइट्स होती हैं, जो ये साइट्स ऑफ एब्यूज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा चलन में आ जाती है। कई बार आप शिकायत है कि लोग लाइब्रेरी में, कई लोग सोशल जगह, लोग इसको पब्लिक जगह खोल देते हैं, कई शिकायतें मिली। अभी BHU में भी देखिए काफ़ी दिक्कत हुई एक बिटिया के साथ। तो ऐसा मैं नहीं करूँ कि वेबसाइट से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग की मैंटेलिटी पर ही असर डाल रहा है। और चूँकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे भी स्टूडेंट्स हमारे सब काम करते हैं, मेरे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, हमको ये लगता था कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जैसे रबड़ से आप कुछ मिटा सकें। तो वो कंसेप्ट हम लोग चाहिए था कि कुछ हम लोग अपने बच्चों के लिए, कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए कैसा कर सकें, मरीजों के लिए, कि चीज़ें ब्लॉक हो सकें और ब्लॉक ही ना हो, कुछ इंटरेस्टिंग भी हो। तो ये हम लोग की टीम ने ऐसे डिसाइड किया कि हम लोग अगर रिलीजियस सॉन्ग डाल दें तो जो लोग इस चीज़ को देखना चाहते हैं उनका दिमाग भी कुछ चेंज हो जाए, बदल जाए। ये तो बड़ी अच्छी पहल है और इसे समाज में जो दूषित मानसिकता फैलाने का ये प्रयास है, हाँ, वेबसाइट है इनके जरिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। और हिंदू विश्वविद्यालय है, मामना मालवी की ये धरती है, कर तपोस्थली है, इसलिए हम मर्यादाओं के हम लोग पुजारी हैं। तो डॉक्टर वी एन मिश्रा या जिसने भी ये पहल की है इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। हम सोचते हैं कि इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़।